हेलो नमस्कार गाइज, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक ऐसे मिथ के बारे में और यूट्यूब में ऐसे ऐसे बात चल रहा है ये दवाई के बारे में, तो हम आपसे इसी के बारे में आपको बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज मेगालिस 20 मतलब मेगालिस टेबलेट के बारे में बात करेंगे। तो मेगालिस टेबलेट दो प्रकार का आता है, दो टाइप में आता है फिलहाल। ये आता है 20 mg में और 10 mg में। तो फ्रेंड्स, इसका कॉम्पोजिशन है टेटलाफिल, इसमें 20 mg और 10 mg आता है। 10 mg टैबलेट और 20 mg टैबलेट के कॉन्टेक्स में आता है। तो हम आपको बात करेंगे, अभी ये कंपनी जो है मैक्लॉड्स का है। तो ये फ्रेंड्स, इसका रेट 20 mg का रेट 250 से ऊपर है। अगर आप थोड़ा सा मेडिकल शॉप में जाकर बार्गेनिंग कर सकते हो तो इससे आपको कम में मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं ये वर्क क्या करता है। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। फ्रेंड्स, वर्क क्या करता है, शरीर में क्या काम करता है। और फ्रेंड्स, हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, ये वीडियो पूरा देखिए। ये पूरा वीडियो देखने में आपको बहुत सी मिथ ऐसे आपको दिल से जो मिथ है आप निकाल देंगे। हम फ्रेंड्स, हम बात करते हैं मेगालिस 20 के बारे में आज। तो इसमें टेटलाफिल कंटेंट्स आता है, ये खास करके फ्रेंड महिला के लिए बनाया है। तो फिर से एक बार सुनिए फ्रेंड्स, ये लेडीजों के लिए बनाया गया है, ये बिल्कुल भी जेंट्स के लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स, बहुत सी यूट्यूबर्स है जो मेगालिस 20 मतलब टेटलाफिल मतलब कहते हैं जेंट्स के लिए। बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं उनको दवा के साथ कहता हूँ, वो लोग गलत बोलता है। अगर आपको कोई भी यूट्यूबर्स हो जो उनको सही बोलता है और वो बोलता है, वो कहते हैं जे मेंस के लिए बना हुआ है, आदमी के लिए बना हुआ है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आके गाली दीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बोलता हूँ फ्रेंड्स, आपको गुमराह करा जा रहा है। बिल्कुल भी फ्रेंड्स, ये कैप्सूल मतलब ये टेबलेट लेडीजों के लिए बना हुआ है, आप बिल्कुल मत खाइए। फ्रेंड्स, हमारे शरीर का संरचना और लेडीज का शरीर का संरचना एकदम अलग है। फ्रेंड्स, ये लेडीजों के लिए काम आता है जिसको टेस्टोस्टेरोन की कमी हो, मतलब सेक्स करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होता है, जिनमें एकदम मतलब सेक्स करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होता है। टेस्टोस्टेरोन मतलब हार्मोनल प्रॉब्लम डिसऑर्डर, मतलब हार्मोनल डिसऑर्डर जिस महिला को है उसके लिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, उनको देना होता है, जो इनको शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है और सेक्स करने में मतलब अपना जोड़नीदार में रक्त संचलन को बढ़ाता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम कोई महिला को सर्विस करते हैं मतलब प्यार करते हैं, तो उनमें सेक्स करने का अभिलाषा होता है। तो फ्रेंड्स, कोई कोई ऐसे कहते हैं एक टेबलेट खिला दो लेडीज पागल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, पागल कभी नहीं होता है, कोई लेडीज पागल नहीं होता। आपको तो पता है नारी शक्ति क्या है, नारी शक्ति ऐसे है जो मतलब औरतों में बहुत शक्ति होती है फ्रेंड्स, सहन शक्ति। आप उनसे परीक्षा मत लीजिए। हाँ, एक बात है, अगर उनको एक टेबलेट खिलाने के बाद एक घंटे बाद उनको शेड्यूल करते हो, उनको प्यार करते हो, तो आपको बात मान जाएंगे। लेकिन ऐसे बात नहीं है, आप एक टैबलेट चुपके से खिला दिया, वो आपको पागल होके आपके पास आ जाएंगे, बोलेंगे चलो मैं आपके साथ सेक्स करने वाला हूँ। बिल्कुल नहीं होता है ऐसे फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल मेंस लोग ये टैबलेट मत खाइए फ्रेंड्स, ये टैबलेट आपके शरीर को बिल्कुल भी खोखला कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलर ये टैबलेट खाते हो आपको सेक्स करने में तो मजा आता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपको धीरे धीरे सीमंस की मात्रा आधी से आधी हो जाएंगे, आगे जाके आप बाप बनने लायक नहीं होंगे, क्योंकि शुक्राणु आपको रहेगा नहीं, सीमन से बिल्कुल शुक्राणु नहीं रहेंगे, नील हो जाएंगे, आप बाप बनने का क्षमता नहीं रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी भी टाइम है, आप मेगालिस मतलब टेटलाफिल टैबलेट अपने ऊपर मत उपयोग कीजिए, मेंस के लिए बना हुआ नहीं है। फ्रेंड्स, आप तो जानते हो लेडीजों को फॉलोपियन ट्यूब में क्या बनता है, फॉल्स क्यों बनता है, अंडा बनता है, हमारे शरीर में शुक्राणु बनता है। तो कंपनी पागल नहीं है जब मतलब लेडीजों को दवाई आप जेंट्स को खिला सकते हो, बिल्कुल नहीं खिला सकते हो फ्रेंड्स, ये एकदम हमारे मतलब नियम के विरुद्ध है। अगर आपको कोई आपको लगे जे नहीं है टेबलेट खाने से हमको बहुत फायदा मिल रहा है, तो फ्रेंड्स फायदा तो होता है लेकिन आपको नुकसान इससे ज्यादा हो रहा है। आप रेगुलर एक टेबलेट आप खाते हो तो आपको धीरे धीरे शरीर में शुक्राणु का मात्रा एकदम कम हो जाएंगे, गाढ़ा हो जाएंगे, आप बाद में बहुत ज्यादा पछताएंगे, अभी आपको लाभ मिलेगी लेकिन बाद में आपको जाके बहुत प्रॉब्लम होंगे। तो फ्रेंड्स, ये टैबलेट आप महिला को यूज कर सकते हो जिनमें सेक्स करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, जिनमें हार्मोनल डिसऑर्डर होता है उनके लिए है टैबलेट।
अगर आपको खाना हो फ्रेंड जेंट्स के लिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा अच्छा दवाई है, बहुत बढ़िया बढ़िया दवाई है, जिनके बिल्कुल भी सीमेंट्स मतलब कम है, जिनमें शुक्राणु का मात्रा एकदम कम है, उनके लिए भी आयुर्वेदिक दवाई, इतना बढ़िया बढ़िया आयुर्वेदिक दवाई आप अगर खर्चा कर सकते हो तो हम आपको बताएंगे जो आप कौन सी दवाई ले सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आप मेगालिस 20 खाते हो तो कोई गायनोकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है मतलब लेडीजों को ही लिखता है, और सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलके आप कोई भी सेक्स की दवाई खाइए। ऐसे नहीं आप मेडिकल में जाके गए, कोई भी यूट्यूबर आपको उल्लू बना दिया, पागल बना दिया और आप जाके खा लिए और खाके सेक्स करने लगे। लेकिन फ्रेंड्स ये खाने के बाद वर्क वर्क तो करता है लेकिन फ्रेंड्स हमारे लिए बना हुआ नहीं है। आप तो जानते हो फ्रेंड्स जैसे ऐसे कॉफ सिरप है जो कंपनी बनाया है, ये अच्छे कॉफ मतलब खांसी के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन वो क्या करते हैं लोग गलत उपाय करके उसको नशा के लिए यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स वो क्या नशा के लिए दवाई है? नहीं है ना। तो ये भी ऐसी है फ्रेंड्स, ये लेडीजों के लिए है, जेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल इसको मत लीजिए, आप अपना जीवन बर्बाद मत करिए फ्रेंड्स। और इसे लेने का तरीका, लेडीज को देने का तरीका 10 mg हो चाहे 20 mg हो, इसको खाने से पहले देना चाहिए, खाने के बाद 1 घंटा बाद देना चाहिए फ्रेंड्स। इसमें बहुत से साइड इफेक्ट होता है, बहुत बहुत महिला को ऐसे होता है चिड़चिड़ापन आ जाता है, माथा भारी होने लगता है, मतलब गैस एसिडिटी होने लगता है और चक्कर जैसे आने लगता है। अगर ऐसे प्रॉब्लम हो तो उनको 20 mg का टैबलेट नहीं दे, 10 mg का टैबलेट दीजिए। और फ्रेंड्स ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम, वैसे तो ये प्रॉब्लम अपना ठीक हो जाता है, अगर नहीं होता है तो आप कोई भी पैरासिटामोल टाइप का टैबलेट ले सकते हो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो अपना कोई गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर हो, नहीं तो कोई अपना फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर हमारी जानकारी बिल्कुल भी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, आपको लगे जो नहीं ये बंदा सही बोल रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मतलब अपना वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमारे चैनल में आप नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें ऐसे ऐसे वीडियो लेके आते रहता हूँ और बहुत सी दवाई के बारे में आपसे बात करते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।